एक रुपये लगाने की आवश्यकता नहीं है, और बल्कि जब इसे तैयार हो जाती है तो हज़ारों रुपए के भाव में इसको कंपनी आकर ले जाती हैं। ये पत्ती बिकेगा 280 रुपया प्रति किलो जी। आपको लगता है मुनाफा होगा? क्यों नहीं होगा, एक बीघा में एक काउंटर निकलता है, हर 4 बीघा में 4 काउंटर निकलेगा। 4 काउंटर। अभी तक अपने दर्शकों को हम कई बार कई तरह के फूलों की खेती दिखा चुके हैं, लेकिन आज जिन फूलों की खेती के बारे में आपको हम बताना चाहते हैं, यह खेती एक प्रकार से किसान के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि इसमें किसान को शुरुआती तौर पर ही 1 रुपये लगाने की आवश्यकता नहीं है, और बल्कि जब इसे तैयार हो जाती है तो हज़ारों रुपये के भाव में इसको कंपनी आकर ले जाती हैं। इसे कहते हैं हिबिस्कस। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह हिबिस्कस का फूल है, जो कि यहाँ पर बहुत सीमित किसानों के द्वारा इस समय इसकी खेती की जा रही है। हमारे साथ जो किसान हैं उन्होंने इसको कर रखा है, तो कैसे किया, क्या सोच के किया, सारी जानकारी उन्हीं से ले लेते हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपका नाम? नमस्कार भाई साहब जी। संदेश कुमार कुशवाहा। संदेश कहाँ से हैं? हम यहीं पठाकर गाँव से। पठाकर गाँव जिला झांसी जी। अच्छा, ये बताइए, अभी तक कई तरह के फूलों की खेती देखी है जी, गेंदा, गुलाब और कई तरह के छोटे बड़े फूल थे, लेकिन ये कौन सा फूल है जो इतना बड़ा 6 फीट का हो गया है? ये हिबिस्कस है जी। हिबिस्कस, इसको हिंदी में अमाई भी बोलते हैं जी। हिबिस्कस तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में तो होता नहीं है या नहीं, सब किसानों के पास उपलब्ध नहीं है अपने क्षेत्र में? नहीं। आपके पास कैसे पहुंचा? ये ऑर्गेनिक इंडिया से मिला हमको, जैविक किसान से। अच्छा, कंपनी है? हाँ, कंपनी उससे दिया है। क्या कहा गया था आपसे? भाई कहा गया इसको लगाओ जी, 1 बीघा में करीब 1 क्विंटल निकलता है। बीज कंपनी ने दिया था जी, एक करीब सूखा हुआ बिकेगा 280 रुपया प्रति किलो। यानी 1 क्विंटल की बात की जाए तो 1 क्विंटल 28,000 रुपया का। 28,000। तो इसको कब लगाया था, किस मौसम में लगाया? ये जुलाई जून में लगता है, 22 जून के बाद बो सकते हैं, मूंगफली के साथ ही बो सकते हैं। अच्छा, कितने दिन की फसल होती है ये? 90 दिन की। 90 दिन की। इसमें खेत की रखवाली या इस पौधों की रखवाली, कीटनाशक कुछ दवा का इस्तेमाल? नहीं, इसमें कोई कीटनाशक नहीं लगा। क्यों? कीटनाशक पे लगा ही नहीं, लगता तो इसमें कोई नीम का छिड़काव करते। अच्छा, मतलब कोई रोग नहीं लगता है इसमें? नहीं, अभी तो नहीं लगा, लगता तो नीम का छिड़काव करते हैं जी। आपने पहली बार किया है? पहली बार किया है। कैसा रहा अनुभव, कैसा दिखता है यहाँ पे? बढ़िया है, ठीक लग रहा है? ठीक लगा। अच्छा, कंपनी ने आपको क्या बताया कि एक बीघा में 1 क्विंटल 1 क्विंटल निकलेगा ये जी। अच्छा, अब बेचने के लिए मार्केट की उपलब्धता था, कहाँ से कहाँ बेचेंगे इसको? नहीं, वो ही कंपनी वाले लेंगे, आएंगे लेने के लिए? लेने के लिए नहीं, राठ जाएंगे लेने के लिए, लेके। अच्छा, वो यहीं आएंगे, सैंपलिंग करेंगे, फिर राठ जाएगा। तो पहली बार किया था, एक डर नहीं लगा मन में कि हुआ नहीं हुआ हमारा खेत बर्बाद हो जाएगा? पहली बार हमने इसको कनौरा में देखा था। कनौरा में जो जैविक किसान हैं, जैविक खेती करते हैं, उनके पास गए थे, वहाँ देखा था, वहीं से बीज लाए थे जी। जी, तो वहाँ सही चल रहा था? हाँ, वहाँ सही चला था। तो आपने किया, आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा हमको तो, ठीक है। ठीक है, इसका बिकेगा क्या क्या इसमें से? इसमें से इसका पत्ती बिकेगा। तोड़ के दिखाएं पूरा भाई साहब, तक कैमरा पास में लाएं थोड़ा सा, तोड़ लीजिए इसको, इसको निकालना है। अच्छा, इसको सुखाना है, ठीक है। इसके बाद ये बता जो इसके अंदर बीज है, इधर दिखाइएगा। ये पत्ती बिकेगा 280 रुपया प्रति किलो जी। ये जो बीज है, ये बीज सुखा के इसको, इसका जो जानवरों को बांट बनता है ना, इसका बांट भी कर सकते हैं जानवरों का, सूखा चारा। सूखा चारा नहीं, इसका आटा निकलेगा ना, इसका आटा बन जाएगा, आटा बन जाएगा, फिर इसको बेच सकते हैं जी। ये डायरेक्ट भी कंपनी लेगी बीज, कंपनी बीज नहीं ले रही तो अपना जानवरों को खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी इसमें फूल में फूल भी बिकेगा इसका, और इसका बीज भी बिकेगा, दो फायदे हैं जी, दो फायदे हैं। अच्छा, तो पहली बार आपने खेती की है, ठीक रहा आपका अनुभव? जी, बढ़िया रहा। आपको लगता है मुनाफा होगा? क्यों नहीं होगा, 1 बीघा में 1 क्विंटल निकलता है, हर 4 बीघा में 4 क्विंटल निकलेगा। 4 क्विंटल 6 क्विंटल 28,000 के हिसाब से चलेगा। अगर आप अन्य फसल करते हैं, इसमें अन्य फसल करते हैं तो 4 बीघा में ज़्यादा ज़्यादा 40-45 बस, यानी जस्ट डबल है ये चीज़। डबल है, पहली बार किया है? पहली बार किया है। जैसा कि आप लोगों ने सुना, डबल है और तबल भी है। तबल, हाँ, चलिए ठीक। जैसा कि देख सकते हैं, पहली बार इस क्षेत्र में भाई साहब ने किया हुआ है, और हिबिस्कस जो कि किताबों में इसमें पढ़ाया जा रहा है कि हिबिस्कस के फूल, तो यही वो फूल है जो किताबों में बताया जा रहा है। इसके साथ साथ इसकी पत्ती को 28,000 रुपये किलो में बेचा जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं किसानों को एक बड़ा आर्थिक लाभ इस हिबिस्कस से
मिल सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसमें किसान को ना तो बीज के लिए पैसा खर्च करना है, ना इसमें रासायनिक खाद का प्रयोग होना है। बरसात के मौसम में होता है ना, पानी की समस्या है, ज़्यादा बरस जाए तो दिक्कत नहीं, कम बरस जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस तरह की अन्य रोचक खबरों के लिए देखते रहें कृषि पिटारा। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।